हल्की शाम ढलने लगी थी। सूरज लगभग क्षितिज की गोद में जाकर छिप ही गया था, लेकिन शालिनी और गौतम काफी देर तक उस लड़के के घर के सामने खड़े रहे। तभी अचानक गौतम का फोन बज उठा। फोन वीर सिंह का था। फोन उठाते ही दूसरी ओर से आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ हो बेटा तुम लोग? शालिनी के पापा कब से उसे कॉल कर रहे हैं, उसका फोन बंद आ रहा है। वीर सिंह की आवाज कुछ चिंता भरी थी। तब गौतम भी थोड़ा थकी हुई आवाज में बोला, हाँ उसका फोन बंद हो गया है। बस एक क्लू हमारे पास है, जिस लड़के को मैंने हॉस्पिटल में देखा था उसका एक दोस्त यहाँ है, हम उसी के इंतजार में हैं। एक बार उससे बात हो जाए शायद हमें कुछ हाथ लग सके। तब वीर सिंह दूसरी ओर से बोला, ठीक है बेटा जल्दी लौट आओ। वीर सिंह ने बात कही भी नहीं थी कि वो लड़का सामने से आता हुआ नजर आ गया। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि गौतम और शालिनी भाग कर उसके पास पहुंच गए और गौतम ने उसे रोकते हुए कहा, हाय क्या मैं आपसे कुछ मिनट बात कर सकता हूँ? वो लड़का उन दोनों को कंफ्यूजन के साथ देखते हुए बोला, ओके बट क्या मैं आप लोगों को जानता हूँ? एक मिनट, तुम तो वही हो ना जिसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी? इस बात के जवाब में गौतम ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया। तब वो लड़का अपनी बाइक साइड में खड़ी करते हुए बोला, या कहिए क्या बात करना चाहते हैं आप? तब गौतम बोला, दरअसल हम एक लड़के को ढूंढ रहे हैं जिसके हाथ पर एक बर्थमार्क है जो देखने में एक टैटू की तरह दिखता है, लाइक दिस। कहते हुए गौतम ने चेतन के चेस्ट पर बने निशान को एक तस्वीर के माध्यम से उस लड़के को दिखा दिया। तब वो लड़का उस तस्वीर को देखकर सोचने लगा। तब गौतम कुछ सोचते हुए बोला, शायद जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो उस घर में रहा करता था जो कि अब बिक गया, और मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम मृत्युंजय है। ये सुनते ही गौतम से उस लड़के ने तुरंत कहा, नहीं आप बिल्कुल गलत है, वहाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता था, और हाँ आई नो कि ये निशान उसके ही हाथ पर बना था, लेकिन आपको उससे क्या काम? इस बात पर शालिनी ने उत्तर देते हुए कहा, थोड़ा पर्सनल ऑफिस रिलेटेड काम है। ऑफिस का नाम सुनते ही वो लड़का उदास होकर बोला, काहे का ऑफिस, अगर आप लेनदार हो तो छोड़िए, वो उस हालत में नहीं है कि आपकी एक फूटी कौड़ी भी लौटा सके, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, आप लौट जाइए। इतना कहते हुए वो लड़का घर की ओर जाने लगा। तब गौतम उसे दोबारा रोकते हुए बोला, देखिए हम कोई लेनदार नहीं है लेकिन उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तब उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, सच कहूं तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जैसे ही शालिनी और गौतम ने यह सुना उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान होकर बोले, अरे आप ये कैसे कह सकते हैं, कल तो आप उन्हीं के साथ थे, फिर आप झूठ क्यों कह रहे हैं? ये सारी बात सुनकर वो लड़का बोला, आप अंदर आइए मैं सारी बात बताता हूँ। ये सुनकर वो दोनों उस लड़के के घर में चले गए। साथ में बैठते ही उस लड़के ने परत दर परत पूरी बात खोलकर बताना शुरू किया। वो बोला, मेरा नाम रौनक है बट मुझे कुछ लोग रोनी भी कहते हैं, और आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसका नाम मृत्यु दंड नहीं बल्कि कार्तिक है। अभी उन्होंने बात करना शुरू भी नहीं की थी कि एक बार फिर गौतम का फोन बज उठा। तब फोन की स्क्रीन पर नाम देखते हुए गौतम बोला, रोनी इट्स गॉटन सो मच लेट, कल जब आप फ्री रहो तो मुझे बताइएगा कि कब मैं आपको लेने आऊँ, क्योंकि ये कहानी मेरे पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर गौतम समय पूछता हुआ शालिनी के साथ निकल गया और अगली सुबह उसे लेने भी आ गया। रोनी पहले से ही गौतम का इंतजार कर रहा था। दोनों साथ मिलकर वीर सिंह के घर पहुंच गए। सभी हॉल में जाकर बैठ गए और रोनी ने अपनी और कार्तिक के परिचय के साथ बात शुरू कर दी। उसने बताया, हाँ आप लोग सही घर में पहुंचे थे, प्रताप दादाजी उस घर के मालिक थे, लेकिन जब उन्हें अपनी मीडिया कंपनी से लॉस हुआ तब अपना कर्ज भरते भरते उनका सब बिक गया। कार्तिक के माँ बाबा तो बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए उसके लिए जो कुछ थे उसके दादाजी ही थे, लेकिन घर बिकने का सदमा दादाजी सह ना सके और चल बसे। इतना कहते हुए रोनी ने गौतम की ओर देखते हुए कहा, और अब आपका सवाल जो कल छूट गया था, असल में कल रात ही दादाजी का अंतिम संस्कार हो चुका था। पहले वो कुछ दिन एक होटल में रहे, लेकिन जब कल शाम आप लोगों के आने से पहले मैं उससे मिलने गया तब तक कार्तिक होटल छोड़कर जा चुका था, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। ये सारी बातें सुन लेने के बाद चेतन थोड़ी गंभीरता से बोला, अच्छा ये बताइए कि उनके दादाजी की मौत कैसे हुई? तब रोनी बोला, दादाजी को एक दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया,
मैं और कार्तिक कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयाँ लेकर हॉस्पिटल ही जा रहे थे कि तभी हाईवे पर एक लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। उसे बचाने के चक्कर में हमारी बाइक गिरकर खराब हो गई थी और हम समय से न पहुंच सके। वो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ दादाजी को बचा सकती थी अगर हम समय पर पहुँचते तो। मुझे लगता है कार्तिक अपने आप को दोषी मानकर इस तरह कहीं चला गया। जैसे उसके मुंह से सभी ने यह बात सुनी, सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तब रॉनी बोला, क्या हुआ, आप लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये सुनकर गौतम बहुत हिचकिचाहट के साथ बोला, दरअसल वो लड़की मेरी बहन ही थी जिसे आप लोगों ने बचाया और जिसको बचाते हुए। कहते हुए गौतम की जुबान लड़खड़ा गई। ये सुनते ही रॉनी एकाएक खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल दोबारा बैठते हुए बोला, तो क्या अब आप उससे माफी मांगने के लिए उसकी खोज में हैं? ये सुनकर वीर सिंह ने कहा, ऐसा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो केवल कार्तिक ही कर सकता है। हम बस उसी के कारण कार्तिक को ढूंढ रहे हैं। तब चेतन ने कहा, दरअसल बेटा मुझे नहीं लगता तुम जैसी आज की मॉडर्न पीढ़ी मेरी बात को समझ पाएगी, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं भी इसी पीढ़ी का हूँ। अब जो तुम जानोगे वही बात मुझे भी कोई बुलाकर इस तरह कहता तो शायद मैं ना मानता। ये सुनकर रॉनी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, अंकल साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। तब चेतन ने कहा, तुम्हारे दोस्त का नाम कार्तिक है या मृत्युंजय, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो निशान उसके हाथ में है वो कोई साधारण निशान नहीं है। ये चुने हुए लोगों को ही मिल पाया था, मुझे मिला और मुझसे पहले और कईयों को मिला, लेकिन इस निशान का मतलब है कि वो इंसान रक्षक समूह का हिस्सा है। इस समय मेरी बेटी पर एक काले साए ने कब्जा किया हुआ है जो उसे मारना चाहता है, और जब कार्तिक मेरी बेटी के साथ होगा तभी उसकी जान बच सकेगी। मैं मानता हूँ इस समय हम सब स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन हमें वाकई कार्तिक की जरूरत है। ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन लेने के बाद रॉनी कुछ सोच कर बोला, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी इन बातों पर विश्वास करके आपकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि मैं खुद चाहूंगा कि कार्तिक जहां भी हो सुरक्षित रहे। तब गौतम उसके इस बात पर तुरंत बोला, तो रॉनी मदद करो हमारी, कोई तो क्लू बताओ कि हम कैसे ढूंढे कार्तिक को। तब रॉनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलते हुए बोला, कार्तिक बड़ा ही इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है, ज्यादा किसी से मिलना नहीं, कोई सोशल गैदरिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, नंबर भी उसका बंद है, तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? इस बारे में सोचते हुए गौतम बोला, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह जहां वो जा सकता है? ये सुनकर रॉनी तुरंत बोला, ना कोई नहीं, और होता भी तो वो उनसे मदद नहीं लेता। काफी देर विचार करने के बाद भी कोई हल ना निकल सका। तब रॉनी बोला, बस मेरे पास एक आखिरी प्लान है। कहते हुए रॉनी चेतन के करीब आकर बोला, मुझे गौतम से पता चला आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं और कार्तिक भी इसी फील्ड से जुड़ा है। मुझे पूरा यकीन है वो खुद को दोबारा खड़ा करने के लिए जरूर नौकरी की तलाश में होगा। आप ऐसी रिक्वायरमेंट का एड पब्लिश कराइए जो टफ से टफेस्ट हो। मुझे विश्वास है वो काम की तलाश में खुद आपके ऑफिस तक आएगा। ये विचार सभी को पसंद आ गया, जिसे सुनते ही चेतन बोला, सही कहा, मैं आज ही ऐसा एड अपने पेपर में पब्लिश कराता हूँ। इसके बाद रॉनी वहां से चला गया। तब वीर सिंह चेतन से बोला, क्या लगता है ये प्लान काम करेगा? जिसके उत्तर में चेतन बोला, प्लान काम करे ना करे, लेकिन हमें उस लड़के को ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी लतिका पीछे से आते हुए बोली, किस लड़के को ढूंढने की बात चल रही है मामा जी? उसकी आवाज सुनकर दोनों अचानक चौंक गए। तब चेतन बात को संभालते हुए बोला, कुछ नहीं बेटा, वो मुझे एक ऑफिस बॉय की जरूरत है, हम बस वही ढूंढ रहे हैं। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी हेल्थ कैसी है? इसके जवाब में लतिका ने तुरंत कहा, फिलहाल तो ठीक हूँ मैं। ये सुनकर चेतन उसे गले लगाकर मन ही मन बोला, बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द ही तुम्हारा रक्षा कवच तुम्हारे साथ होगा। जहां एक तरफ गौतम, वीर सिंह और चेतन खूनी वधु के मायाजाल से लतिका को बाहर निकालने की पुरजोर कोशिश में थे, वहीं लतिका के मामले में कमजोर हुई खूनी वधु बेहद झल्लाई हुई थी। देर रात मोनिका के रूप में किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में मौजूद खूनी वधु बड़बड़ाते हुए बेहद गुस्से में बोली, पता नहीं कैसे वो लड़की मेरे काबू से बाहर आ गई, लेकिन जल्दी वो धागा उससे दूर होगा और दोबारा उस पर मेरा कब्जा हो जाएगा। जो भी हो, उस लड़की का मरना तय है। लेकिन तभी एक आदमी मोनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हे, कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? तो मोनिका उसे देखकर मुस्कुराई और फिर अपने नशीले अंदाज में बोली, श्योर, व्हाई नॉट?
उसके बाद मोनिका ने उस आदमी के साथ एक ड्रिंक ली। कुछ बातों के बाद उस आदमी को लगा कि मोनिका उसके साथ जाने को तैयार है, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो अपने आप को मौत के हवाले कर रहा था। दोनों वहां से निकलकर पीछे वाली गली में आ पहुंचे। उस आदमी ने दीवार से सटाकर अंधेरे में मोनिका को खिसकने की कोशिश की। तभी मोनिका जोर से हंसते हुए बोली, ओ तो तुम्हें किस चाहिए? ये कहते हुए वो जोर से अपनी अखूनी वधु की मिली आवाज में हंसते हुए बोली, चलो एक चुंबन की ही तो बात है। कहते हुए वो अपने असली रूप में आते हुए बोली, इस नई शक्ति का यही तो एक कमाल है, शिकार मेरे जाल में खुद आकर फंस जाते हैं। वो इतना कहते हुए जोर से चिल्लाई, लेकिन ये मेरा अधूरापन मुझे हमेशा उस चेतन की याद दिलाता है। जब तक एक बार मैं स्वयं को पूर्ण नहीं कर लेती, तब तक इसी से काम चलाना होगा। कहते हुए उसने उस आदमी का गला कसकर पकड़ लिया, जिससे उस आदमी का दम घुटने लगा। और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, उसके बाद इस खूनी वधु का चेतन की मौत का सालों पुराना सपना पूरा होगा। कहते हुए उसने उस आदमी को चूमना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उसका शरीर पूरा सफेद पड़ गया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तब खूनी वधु दोबारा मोनिका का रूप लेते हुए बोली, अब क्यों ना सीधा उस चेतन पर ही हमला किया जाए, उसके हाथ में आते ही मेरा अधूरा पन एक बार फिर पूरा हो जाएगा। आ रही हूँ मैं चेतन, तैयार रहना। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगे। क्या एक बार फिर चेतन और खूनी वधु का सामना होगा? क्या चेतन लतिका के लिए रक्षक कवच ला सकेगा? जानने के लिए सुनिए खूनी वधु का नया अध्याय।